हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में जहां हम बात करते हैं कमोडिटीज़ के बारे में एम सी एक्स कमोडिटीज़ आगे आगे की रणनीति आज क्या करना है उस रणनीति को डिस्कस करने से पहले हमने कल के लिए क्या रणनीति शेयर करी थी और उसमें क्या हुआ पहले उसका ओवरव्यू कर लें फिर आगे की बात करते हैं कल क्रूड को बाय करने कहा था इकतालीस सौ बीस और तीस के आसपास इकतालीस सौ बीस और तीस के आसपास बाय करने कहा था स्टॉप लॉस मेंटेन करने कहा था इकतालीस सौ रुपए का टारगेट दिया था इकतालीस सौ सत्तर का इन ट्रेडेट ट्रेडिंग के लिए और मैं लॉन्ग टर्म में तिरालीसो दस के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये मैंने बोला था कल का लो पड़ा है इसका का और हाई पड़ा है इकतालीस सौ सत्तर इकतालीस सौ तेहत्तर चौहत्तर का यानी कि बीस रुपए से सत्तर रुपए यानी कल पांच हजार रुपए आप लोगों को आए होंगे क्रूड के कॉल में बहुत खुशी होती है मुझे आप लोगों को प्रॉफिट मिलता है तो जो जो भी जो जो भी व्यूअर्स मेरे वीडियोस देख के पैसा बना रहे हैं कमेंट करके उसको प्लीज बताइए मुझे मैं ये नहीं जानना चाहता कि आपने कितने लॉट में काम किया या फिर कितना प्रॉफिट बनाया मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे दिए हुए लेवल्स पे काम करके उसको उसका लाभ उठा रहे हैं चलिए अब आज की रणनीति क्या होगी हम उस पर बात करेंगे अच्छा कल गोल्ड और सिल्वर में कॉल का, का, का कामकाज करने से मना किया था इनफैक्ट मैं पूरा ये हफ्ता ही गोल्ड और सिल्वर में कामकाज करने में कंफर्टेबल नहीं हूं गोल्ड की रेंज बताई थी इकतीस का सपोर्ट और इकतीस सात सौ सॉरी सैतीस सात सौ और 37600 सौ का सपोर्ट बताया था रेजिस्टेंस बताया बताया था अड़तीस हजार रुपए के आसपास का सात सौ रुपए सात सौ रुपए का लो मारा था सात सौ रुपए का सपोर्ट बताया था और वापस से सौ डेढ़ सौ रुपए की रिकवरी इसने दे दी थी लेकिन फिर भी कामकाज मत करिए जब तक हम एक क्लियर ट्रेंड में नहीं है तब तक कामकाज नहीं करना चाहिए यहां पर आप सेल इनिशिएट कर लेंगे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा तीन सौ रुपए का आप पैनिक हो जाएंगे आप दूसरे ट्रेड खराब करेंगे ऐसा कामकाज नहीं करना है सिल्वर में भी कुछ नहीं करना है कॉपर में भी कुछ नहीं करना है आपको नेचुरल गैस की रेंज बताई थी एक से एक की बर, बराबर एक सौ इक्यासी एक सौ बयासी के आसपास नेचुरल गैस सपोर्ट ले रही थी और कल उसकी एक्सपायरी भी थी आज उसका नया वायदा चालू हो गया है उसमें भी कामकाज नहीं करना है पैसा बनना चाहिए चाहे वो क्रूड से बने चाहे वो नेचुरल गैस से बने चाहे गोल्ड से बने चाहे कॉपर से बने कहीं से भी बने बनना पैसा चाहिए हम लोग मार्केट में ट्रेड सिर्फ इसीलिए डालते हैं ताकि हम अपने पैसों अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्टिव कर सकें उसमें कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकें तो चलिए बात करते हैं आज की आज की क्या रणनीति होगी क्रूड ऑयल को इकतालीस सौ इकतालीस सौ बयालीस इकतालीस सौ छप्पन के बीच में यानी आप मोटा माटी पकड़ लीजिए इकतालीस सौ पैंतालीस और इकतालीस सौ पचपन के बीच में वापस से बाय इनिशिएट करना है इकतालीस सौ चौदह का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यानी मोटा माटी तीस पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा वापस रिपीट करता हूं इकतालीस सौ पैंतालीस से इकतालीस सौ पचपन के बीच में बाय इनिशिएट करना है इकतालीस सौ चौदह का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इकतालीस सौ नब्बे के और आप अगर उसको कैरी ओवर करते हैं तो तिरालीस सौ दस तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक हफ्ता दस दिन में आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली और कलीग्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो मेरी मेरे लेवल्स मेरे दिए हुए लेवल्स पे काम काज कर सकें और उसका लाभ उठा सकें नीचे दी हुई लिंक पर जाकर आप आ, नीचे दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मेरे दिए हुए मेरे दिए हुए ट्रेड्स को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं कल फिर मिलूंगा कमोडिटीज़ की रणनीति लेके तब तक के लिए हैव ए प्रॉफिटेबल डे थैंक यू सो मच